हे गाइस वेलकम बैक टू सिंजर टेक। तो ये वीडियो होने वाला है कंपैरिजन वीडियो, जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के सबसे पहला 5G फोन का, जो है Realme X50 Pro, जो आने वाला है Qualcomm के लेटेस्ट लॉन्च हुए चिपसेट Snapdragon 865 के साथ। तो Realme X50 Pro का हम कंपैरिजन करेंगे। दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ फ़ोन, जो चाइना में लॉन्च हुआ था दो दिन पहले, जो है MI 10 Pro। अब दोनों फ़ोन की खास बात यह है कि दोनों फ़ोन आते हैं Snapdragon 865 चिपसेट के साथ, दोनों 5G चिपसेट है और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स में एक है। तो आज इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, तो आप इसमें रियल फ़ोन देखने की उम्मीद ना करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, क्योंकि लॉन्च से पहले आप सभी को पता चल जाए कि दोनों में से बेटर फीचर्स कौन सा फ़ोन दे रहा है, ताकि आप लॉन्च इवेंट जो दो दो घंटे का लॉन्च इवेंट होता है वो ना देख पाओ, और साथ ही साथ आपको पता भी चल जाए कि बेटर फ़ोन कौन सा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते दोनों फ़ोन के डिज़ाइन की। तो बात कर लेते Xiaomi MI 10 Pro की। जैसा आपने देखा होगा कि Xiaomi MI Note 10 का जो डिज़ाइन था, काफ़ी उस तरीके का डिज़ाइन हमें Xiaomi MI 10 Pro में देखने मिलेगा। कर्व डिस्प्ले होगा, एक पंच होल कैमरा होगा, सिंगल पंच होल कैमरा होगा डिस्प्ले में, और क्वाड कैमरा सेटअप के साथ फ़ोन आएगा। दो से तीन कलर्स में आ सकता है, जो है ऑरोरा ग्रीन, वाइट और पिंक। तो अभी तक तो इतना ही पता चला Xiaomi MI 10 Pro के संबंधित, और ये भी पता चला है कि जब चाइना में फर्स्ट सेल हुआ था तो दो सेकंड में सारे फ़ोन बिक चुके थे। तो आप जान नहीं सकते हो कि MI ने कितना धमाका मचा रखा है। और बात करते हैं Realme X50 Pro की। तो Realme X50 जैसा कमेंट डिज़ाइन देखने की उम्मीद है। क्वाड कैमरा सेटअप इसमें होगा, ये डुअल पंच होल कैमरा के साथ आएगा, ये भी Snapdragon 865 के साथ आ रहा है, बट ये स्लाइटली चीपर होगा Xiaomi MI 10 Pro से, और इसके फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है, तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन के डिस्प्ले की। तो 6.67 इंच के Xiaomi MI 10 Pro आता है 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ, जो सपोर्ट करेगा 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, जो काफ़ी बढ़िया है काफ़ी, और जिसके साथ AMOLED डिस्प्ले आएगा वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा और डिस्प्ले भी आपको बढ़िया क्वालिटी में मिलेगा। ऑन दी देन Realme X50 Pro का अभी तक हमें जो स्क्रीन है उसकी साइज़ पता नहीं चली। रूमर्स के माने तो 6.5 इंच तक की स्क्रीन आ सकती है, जो सेम 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आएगा विद AMOLED डिस्प्ले। तो डिस्प्ले टाइप की बात करें या रिफ्रेश रेट की बात करें, दोनों फ़ोन सेम डिस्प्ले और टाइप और रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं, बस स्क्रीन साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब बेटर डिस्प्ले तो नहीं कह पाऊंगा कौन सा होगा, क्योंकि दोनों सेम चिपसेट के साथ आएंगे और सेम डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आएंगे, तो आपको परफॉर्मेंस भी सेम लगभग सेम देखने मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते दोनों फ़ोन के चिपसेट की। जैसा मैंने कहा Snapdragon 865 के साथ दोनों स्मार्टफोन हमें मार्केट में दिखेंगे, 2.84 GHz के स्पीड पर क्लॉक करता हुआ दिखेगा, LPDDR5 के सपोर्ट के साथ आएगा विथ UFS 3.0 स्टोरेज सपोर्ट के साथ। तो Snapdragon 865 के आने के साथ काफ़ी नए नए फीचर्स भी हमें दोनों फ़ोन में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते कैमरा की। तो Realme X50 Pro की सबसे पहले बात कर लेते, तो हमें अभी तक पूरा बुरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बट 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा होगा वो बताया जा रहा है। अब ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है MI 10 Pro, जो देगा हमें 108 मेगापिक्सल का रियर साइड में प्राइमरी कैमरा विथ 12 विथ 8 प्लस 20 मेगापिक्सल। तो इस बार काफ़ी बढ़िया हाई पैक कैमरा के साथ Xiaomi MI 10 Pro आ रहा है, और ये बताया जा रहा है वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा होगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा Xiaomi MI 10 Pro में हमें यूज़ करते हुए Xiaomi दिखेगा। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो डुअल पंच होल कैमरा के साथ Realme X50 Pro दिखेगा, जो होगा 32 मेगापिक्सल का और प्लस 8 मेगापिक्सल का। ऑन दी देन हमारे पास है Xiaomi MI 10, जो आता है एक सिंगल पंच होल कैमरा के साथ, जो 20 मेगापिक्सल का होगा। अब बेहतर ज़्यादा कैमरा है फ्रंट साइड में, तो हम ये नहीं कह सकते कि Realme X50 Pro बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कैमरा सैंपल दोनों फ़ोन के नहीं आए, बट जो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा वो मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली Realme X50 Pro के रेयर साइड से बेटर होगा, होना ही चाहिए। अभी नेक्स्ट बात कर लेते दोनों फ़ोन के स्टोरेज की। तो स्टोरेज तो हमें लगभग सेम मिलेगा। अब सबसे पहले स्टोरेज और रैम की बात करें, तो 12 GB रैम तक के जो वेरिएंट्स हैं वो देखने मिलेंगे, और 8 GB और 12 GB ये दो वेरिएंट्स हमें दोनों फ़ोन में अवेलेबल होंगे। स्टोरेज की बात करें तो 128 और 256 GB की स्टोरेज दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल होगी। तो स्टोरेज और चिपसेट दोनों रिलेटिवली सेम ही है दोनों फ़ोन्स के। नेक्स्ट बात कर लेते बैटरी की। तो यहाँ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जहाँ Xiaomi MI 10 Pro आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ, जो 50 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा प्लस 30 वॉट वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। ये एक नया इनोवेटिव चार्जिंग हमें Xiaomi के फ्लैगशिप फ़ोन में नया देखने मिला है। नेक्स्ट बात करता हूँ Realme X50 Pro की। तो इसके संबंधित ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट बताया जा रहा है कि 4500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो आपका फ़ोन लगभग 24 मिनट में चार्ज कर देगा।
तो आपको 20 मिनट से भी मतलब 30 मिनट से भी कम में आपका पूरा फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए फ़ोन्स में। तो इस बार बैटरी के मामले में रियल मी X50 Pro ने बाजी मार ली है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोनों फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम की। तो एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ आएंगे, जहां MIUI 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ MIUI 10 Pro नज़र आएगा। ऑन दी अदर रियल मी X50 Pro में रियलमी UI बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम में नज़र आएगा जो एंड्रॉयड 10 को सपोर्ट करेगा। तो दोनों में आपकी प्रेफरेंस, अगर आपने रियलमी का फ़ोन यूज़ किया होगा तो आपको बेटर पता होगा कि उसमें अलग फीचर्स होते हैं और MI के अलग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के प्राइस की। कौन से प्राइस में दोनों फ़ोन अवेलेबल होंगे, क्या आपको MI 10 Pro खरीदना चाहिए जो आएगा 15,000 के साथ, या आपको Realme X50 Pro खरीदना चाहिए जो तकरीबन 30 से 35,000 के बीच में आएगा। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा हमने पता है डिस्प्ले में दोनों फ़ोन सेम है। कैमरा क्वालिटी में Xiaomi MI 10 Pro काफ़ी आगे निकल चुका है क्योंकि बेटर प्राइमरी सेंसर के साथ आ रहा है। रेयर साइड बेटर है कंपेरेटिवली Realme X50 Pro के। चिपसेट तो दोनों फ़ोन सेम ही ला रहे और ओवरऑल बाकी सारे फीचर भी कंपेरेटिवली सेम है। बट Realme X50 Pro कम प्राइस के साथ आ रहा है विद दैट मच ऑफ फीचर्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार दोनों फ़ोन लॉन्च होने दो, जो हो जाएगा Realme X50 Pro लॉन्च होने वाला 25 फेब को, तो देखो क्या रिव्यूज़ आते हैं। मैं भी रिव्यू कर दूंगा, उसके बाद ही आप एक फ़ोन लो। बट तब तक Realme X50 Pro का पलड़ा भारी है क्योंकि अच्छे फीचर्स दे रहा है और कम प्राइस में आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बना देता हूँ ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस हर रोज़। अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।